हम सच में ज्वाइन करना चाहते हैं तुम्हारा गैंग, और तुम्हारे तरीके से, जो हमारा तरीका भी है, उस तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। देखो, ये बात का यकीन कराने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। हम परीक्षा देने के लिए तैयार है, अजमाल हो तो ठीक है। फिर हसीना मलिक की खाला के पास जाओ और उसे बोल हसीना मलिक से ये केस लेकर चिंगारी संगठन के पास आ जाए, तभी मैं यकीन करूंगी कि तू जो कह रही है उसमें सच्चाई है। कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे पूरा विश्वास है कि हसीना मलिक की खाला झूठ नहीं बोल रही, उसकी बात में सच्चाई है, उसका केस सच्चा है। अब चिंगारी संगठन हसीना मलिक की खाला का केस सुलझाएगी, इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है हसीना मलिक के लिए। बोल, मंजूर है? मंजूर है। थोड़ा पोछ कर, अच्छा पोछ कर। रे, मारी डेट है कि थारी डेट है? चल मारा फोटो खींच, ये ले, ये ले। दीदी ना, ए रुको 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 रुको, अब एक काम कर, तू जा, मेरे को थोड़ा सा काम है, ठीक है? ये ले, तू निकल, चल जा जा जा। शिवानी, तू क्या कर रही है यहाँ? अरे मैं तो घर की तरफ जा रही थी ताई, लेकिन तू इकड़े क्या कर रहता है? और ये कौन है? अरे ये अपना मुंह क्यों छुपा रही है? धूप धूप बहुत है ना, धूप। हाँ तो फिर अच्छी बात है ना, सर्दी की धूप है, उससे स्किन अच्छी होती है। ये इसको हुआ क्या? लेकिन ये चेहरा क्यों छुपा रही है अपना? लो, मुझे क्या पता भाई कौन है वो, मैं तो बस ऐसे टहलने निकली थी और यहाँ से गुजर रही थी, तो इसने कहा मेरी दो फोटो खींचवा, मैंने कहा खींच देती हूँ। अब हो गया भाई, ले ले तेरा कैमरा ले और जा यहाँ से बस। ए रुक, ए तेरा दिखा अपना पलट। या अल्लाह, अरे ताई, या अल्लाह ताई, क्या हुआ ताई? या अल्लाह ताई, क्या हुआ ताई? अरे कम कर चुप। अरे तो पाँव में चुप गया, तो यहाँ क्यों हाथ रखा है? यहाँ वो डर गई थी ना। अरे तो मुझे क्यों डरा रही है? चल घर चल, अभी चल, अभी चल चल। या अल्लाह, लेकिन भी ना ठीक हो जाओ तुम लोग। एक तो सबसे पहले अंग्रेजी बोलना छोड़ दो। तुम्हें नहीं समझता ना? ठीक है, मैंने छोड़ दिया, लेकिन तुम हिलोगे नहीं, दो मिनट के लिए इधर ही बैठोगे। मैं आया, अभी आया। रे, दरवाजा कहाँ बंद कर रहा है? दरवाजा सेफ्टी के लिए बंद कर रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? इसीलिए मैंने दरवाजा बंद किया था ना, फॉर सेफ्टी। ऐका झाबरा सामान हाथ में लेके घूम रहे है तुम? अरे ये ऋतिक रोशन स्टाइल है, उस लड़की को पसंद है ना, इसीलिए। ये देखो ऋतिक रोशन वाला हेयर स्टाइल। बिल्ले सुन, पता नहीं कौन सा भाषा में समझेगा यार तुम। तुमको 10 बार बोले भाई सब नहीं पसंद, हमको लेके जाओ यार, हट। यार जीते, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ये तुम्हारी उदासी मुझसे नहीं देखी जाती। मैं वो तुम्हारा हंसता खेलता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, पुराना चीता देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने दिल से संतोष जी को हटा दो, संतोष जी की जगह दूसरी लड़की ले ही नहीं सकती, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मन बहलाने के लिए, बस फन के लिए, देख जमता है तो ठीक है, नहीं तो देवदास बनने में कितना टाइम जाएगा। प्लीज
मेरे लिए ट्राई करना प्लीज। यस यस व्हाट यू वांट, क्या केस है तुम्हारा? चीते निठल्ले एकदम ऋतिक रोशन सेम टू सेम एकदम सेम टू सेम ऋतिक रोशन। हाँ ये बात अपना दिल पर हाथ रख के बोल। चल फोटो खींचते इधर 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 बस करना है यार, कितना तुम्हारे कहने पर विग पहन लिए, सब कपड़ा ऐसा पहन लिया यार। चल पूछ दे ये क्या है, ये पुलिस की वर्दी में है, सिविल कपड़े पहना ना तो सिविल पोज दे मेरे भाई। ये बस यार ये सब तू। यस क्या बात, देखो देखो कैसे लग रहे हो तुम तो अच्छा लग रहा है यार बिल्ले। फिर आइए आइए बदनाम, इससे चाय पीजिए, जो भी चाय पिएगा उसकी जिंदगी सवार जाएगी, समझ है कि नहीं? एक जहर पिला बदनाम। अब पिलाया। अबे चपड़ गंजो, इंग्लिश पढ़ रहा, वेरी गुड। हे शिव जी, कितना बड़ा अनर्थ हो गया हमसे, अनजाने में हमने मटन खाया, पाप किया और हमारे पाप की सजा हमारे बेचारा थाना भुगतेगा, ऐसे कैसे हो गया हमसे? और ऊपर से गुरुजी अलग से डरा के रखाया हमें कि जिस बिट्टू का मांस हमने खाया उसकी आत्मा हमसे बदला लेने के लिए जरूर आ जाएगी, ऐसे ऐसे कैसे आत्मा आपसे कैसे? इकबाल ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? हाँ अबे इकबाल क्या हुआ? कौन इकबाल? हम बिट्टू हैं। कौन बिट्टू? जिसको तुमने कट्टू करके खाया था। बुढ़ापे मटन खाओगी? हम बदला लेने आए हैं। बचाओ बचाओ हमें, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। अरे बकरे तेरा क्यों फड़फड़ा रहा है तू? अम्मी अम्मी उस पे मर्डर मर्डर बचाइए, पुलिस पुलिस पत्थर ही पत्थर, मर्डर तू मेमना है बिट्टू, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे मर्डर मर्डर। अरे क्या मर्डर, आप हट जाइए हट जाइए, वो बकरा है। एक मिनट पहले बताइए तो क्या बक रहा है ये? वो बक नहीं रहा है, वो बकरा है। और ये वही बिट्टू है जिसको कट्टू करके हमने खाया गलती से, उसी की आत्मा इसके अंदर आ गई। आप हट जाइए, आप हम नहीं छोड़ेंगे उसे। पुष्पा जी क्या बक रहे हैं आप, मतलब क्या बचपना कर रही हैं आप, ऐसा थोड़ी ना होता है, आत्मा वात्मा थोड़ी ना जाएगी, आप छोड़िए आप पीठ फेंकिए। वही तो मैडम सर, हम बकरे की ऐसे आवाज निकाल के मजाक कर रहे थे, ये सीरियस हो गई, ईंट उठा लिया हमारा सर फोड़ने के लिए, बताइए। अच्छा मजाक कर रहे थे और क्या? अच्छा हमको लगा। मैडम सर देखिए कितना उच्च कोटि का अभिनय किया है तुमने, अब बख्शिश तो बनती है। दो दो बख्शिश दो बख्शिश दो। पुष्पा जी क्या कर रही हैं, रुकिए आप, करिश्मा सिंह की आत्मा आ गई है क्या आपके अंदर? रुकिए बंद करिए ये सब। तोड़ू क्या? और अब जाइए घर। घर इस वक्त? अभी हमारी ड्यूटी कहाँ खत्म हुई है मैडम सर? हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई आज के लिए, आप प्लीज घर जाइए, आपको आराम की बहुत जरूरत है, कल आइएगा इत्मीनान से। ठीक है, जय हिंद मैडम सर। और तुम ये मजाक करना बंद करो वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। सॉरी मैडम सर सॉरी। सबके दिमाग घूमे हुए हैं इस चिंगारी गैंग की वजह से, तुम रिस्क मत लेना बदनाम, जिंदगी में तुमको देख लेना। हाँ बिल्कुल नहीं। खाला चाय, खाला चाय। करिश्मा बेटा हसीना बहुत बदल गई है, हमने उसे जिंदगी में हर मुसीबत से लड़ते हुए और जीतते हुए देखा है, लेकिन पहली बार हम उसे मुसीबत की वजह से कमजोर होते हुए देख रहे हैं। और सच कहे तो हमसे देखा नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है हमें। कुछ नहीं होगा खाला, उन्हें मैडम सर पे आने वाली हर विपत्ति को हमसे जूझना होगा, और हमसे जूझना इतना आसान नहीं है तो आप जानती हैं। और हम ये आपसे नहीं, हम खुद से वादा कर रहे हैं कि जब तक हमारी जान में जान है ना, मैडम सर पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हम जानते हैं बेटा, तुम जब तक साथ हो ना हसीना को कुछ भी नहीं हो सकता। बस बेटा ये कोशिश करो कि
जल्द से जल्द हसीना को इस मौजूदा दुश्वारियों से निजात मिल जाए बस, और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। ऐसा हो सकता है खाला, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर आप हम पे भरोसा करें और वो करें जो हम आपसे करने को कहें। अरे करिश्मा बेटा, ये भी कोई कहने की बात है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हसीना के लिए कुछ भी। और रही बात विश्वास की, तो हम जानते हैं कि तुमसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त हमारी हसीना का और कौन हो सकता है। चलो बताओ हमें, क्या सोचा है तुमने? देखिए, मैडम सर का इस टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन है चिंगारी गैंग। चिंगारी गैंग मुसीबत बन गई है मैडम सर के लिए। अगर ये खत्म हो जाएगा ना, तो सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। और हम चिंगारी गैंग को खत्म करना चाहते हैं, और उसके लिए आपका मदद लगेगा हमें। हमारी मदद? हम कैसे मदद कर सकते हैं? आपको एक नाटक करना होगा जिसमें आपको मैडम सर की नजरों में बुरा बनना होगा। और हाँ, और जो आप FIR मैडम सर के पास लेके गई है ना, वो आपको चिंगारी गैंग के पास लेके जाना होगा। क्या बात कर रहे हो करिश्मा बेटा, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? करिश्मा बेटा, ऐसे करना होगा खाला, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये सब हम चिंगारी गैंग का भरोसा जीतने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर आप चिंगारी गैंग के पास अपना केस लेकर जाएंगी ना, तो उसके दो फायदे होंगे। एक, आपका लॉकेट ऐसा तुरंत आपके पास आ जाएगा, और दूसरा, चिंगारी गैंग की जो मुखिया है शिवानी ताई, उसका भरोसा हम पे आ जाएगा। एक बार हम उनका भरोसा जीत लेंगे ना, तो वो हमें चिंगारी गैंग में शामिल कर लेगी। और एक बार हम चिंगारी गैंग में शामिल हो गए ना खाला, हम सच बता रहे हैं, उसी के चिंगारी से उसकी पाप की लंका का दहन ना कर दिया ना, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह नहीं। खाला क्या सोचा आपने? करिश्मा बेटा, हम बस इतना ही सोच रहे हैं कि अगर ये बात हसीना को पता चल गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और वैसे भी इतने मुसीबतों से जूझ रही है बेचारी, अगर हमने भी उसका साथ छोड़ दिया तो एकदम टूट ही जाएगी वो। खाला 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 खाला, घाव को भरने के लिए उसको सिलना पड़ता है, और उसमें थोड़ा दर्द तो होता ही है, पर हम ये सब जो कर रहे हैं, ये मैडम सर के लिए ही तो कर रहे हैं, उनको इस मुसीबत से निकालने के लिए कर रहे हैं। कभी कभी अपनों के भलाई के लिए ना, हमें उनको थोड़ा दर्द देना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप सोच लीजिए, कह कि ये परीक्षा तो आप ही की है, और आपको भी इस पीड़ा का सामना तो करना होगा। आप आराम से सोच लीजिए, फिर हम आपसे मिलने आते हैं। हाँ हाँ, चाय पी लीजिएगा। खाला खाला, सच बताइए, आपने थाने में FIR सिर्फ हमारी मदद करने के लिए लिखवाई थी, राइट? देखिए प्लीज, झूठ मत कहिएगा, क्योंकि सच जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको एक नाटक करना होगा जिसमें आपको मैडम सर की नजरों में बुरा बनना होगा। जिस सच पर पहले से ही सवालिया निशान लगा हो, उसके कुछ भी होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? तुम्हें तो तुम्हारी खाला पर ही यकीन नहीं है, तो कुछ भी कहने सुनने के लिए बचता ही नहीं है ना बेटा। खाला, लेकिन आप बस, अब और कुछ भी नहीं, जा सकती हो तुम। हाँ करिश्मा बेटा, हम तैयार हैं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, बस खत्म कर दो इस चिंगारी गैंग को और निकालो हमारी हसीना को इस अजाब से। बोलो क्या करना है हमें? हमारा लॉकेट, जो वो कंबक चोर छीन कर भाग गए। वो लॉकेट हमें हमारी बहन ने दिया था, हसीना की अम्मी ने, हमारी सालगिरह पर। बस उस लॉकेट में हमारी बहुत गहरी यादें पावस्ता है। दरअसल बात यह है कि मैडम सर को इनकी बातों पे विश्वास नहीं है। मैडम सर को लगता है कि ये उनकी मदद करने के लिए झूठी कहानियां बना रही है। जब मैडम सर इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रही, तो इनका लॉकेट इनको वापस लाकर कैसे देंगे? और इनको इस बात का डर है कि कहीं देर ना हो जाए, उस चक्कर में लॉकेट इनके हाथ में कभी ना आ पाए। देखिए, हमें तो बस हमारा लॉकेट चाहिए, जरिया कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करिश्मा ने कहा कि आप हमारी मदद कर सकती है, इसलिए हम यहाँ आए। देखिए, अगर आपको
हम पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप साफ साफ बता दीजिए हमें. हम खुद निकलेंगे ढूंढने उन कमबख्तों को और उनको ढूंढ के ऐसा फोड़ेंगे ना. जज्बात वाली बाई की खाला होकर ये तेवर. वैसे तो हम खाला करिश्मा की भी है. वोकल वोकल सेम सेम. ठीक है, बताइए कहां पर हुआ आपके साथ ये सब. उन लुटेरों ने आपकी चेन और आपका लॉकेट कहां पर छीना था. और शंकर चौक है ना, बस थोड़ा उससे थोड़ा आगे. बिन्नी. हाँ जी. उस इलाके में जाकर अपने सभी मुखबिरों को हड़का दे. खबर फैला दे कि जिसने भी ये हरकत की है, जिसने भी इनका लॉकेट छीना है, वो यहाँ पर आके ईमानदारी से उसे जमा करवा दे. नहीं तो अगर हमने अपने तरीके से उन्हें सबक सिखाया ना तो उसके दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों की राख से तो इनका लॉकेट मिल ही जाएगा. आप पहली बार रंगरेज गली आई है, बहुत सुना होगा आपने इस गली के बारे में. आइए हम आपको असली रंगरेज गली दिखाते हैं. आइए. चिंगारी संगठन की औरतों के हाथ में शस्त्र देखकर लोगों को लगता है कि हम औरतों को हिंसक बना रहे हैं, जबकि हम तो औरतों की आने वाली पीढ़ी को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं उन्हें शिक्षा का शस्त्र देकर. ये बच्चियां आने वाले कल का भविष्य है. जब ये शिक्षित होगी तो पूरा देश शिक्षित होगा. पूरा देश शिक्षित होगा तो औरतों का अपने आप सम्मान होने लगेगा. वो सक्षम होगी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए. तो फिर इस देश को किसी चिंगारी गैंग की क्या जरूरत पड़ेगी. आइए. सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, ये उन पढ़े लिखे जानवरों से खुद को बचाने के लिए जिनको शिक्षा का अमृत भी इंसान नहीं बना पाता, जिनके लिए एक अकेली औरत सिर्फ एक मौका होती है और कुछ नहीं. आपने ये जो गली देखी अभी वो सायरा तय की ही मिल्कियत है. सायरा तय यहाँ की मालकिन है. यहाँ से जो भी पैसा मिलता है वो चिंगारी गैंग के औरतों के जरूरत के काम आता है. चिंगारी संगठन के खर्चे भी यही उठाती है. इन शॉर्ट चिंगारी गैंग के अन्नदाता यही है सायरा तय. आइए. वो हमारा लॉकेट. माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए. बिन्ने. अजीत जी. ये दोनों इस शहर में मुझे दोबारा नहीं दिखने चाहिए. इन दोनों की इतनी हड्डियां तोड़ना कि इन्हें पूरी जिंदगी लग जाए इन्हें जोड़ने में. नहीं नहीं, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए. मैं ये आपका लॉकेट लीजिए. चलो उठो, भेजा इन्हें. ये लीजिए आपकी अमानत. शुक्रिया शुक्रिया. करिश्मा सिंह, तूने साबित कर ही दिखाया कि तू चिंगारी संगठन के प्रति कितनी ईमानदार और समर्पित है. तू इस परीक्षा में पास हो गई. अब से तू चिंगारी संगठन का हिस्सा है और पुलिस में रहकर हमारे लिए काम करेगी. वेलकम टू द चिंगारी गैंग फैमिली करिश्मा सिंह. गजब योग्य और आता ही. वर्दी और मरून एक साथ. पहले जिस वर्दी का आना रंगरेज कली में वर्जित था, अब उसके साथ बैठ के हमें पकौड़े खाने पड़ेंगे. ये शिवानी ने ठीक नहीं किया बिन्नी. इतना बड़ा फैसला लेने से पहले
उसे एक बार हमसे भी तो मशवरा करना चाहिए था।